हेलो फ्रेंड, फिटर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 81 है, पिरामिड के फेस इस आकार के होते हैं। जो पिरामिड है उसका फेस किस आकार का होता है? तो ऑप्शन है आयताकार, वर्ग, समानांतर चतुर्भुज या समद्विबाहु त्रिभुज। 81 का आंसर हो जाएगा डी, समद्विबाहु त्रिभुज। अगला प्रश्न, जब एक आयत एक भुजा के चारों ओर घूमता है तो कौन सा ठोस बनाता है? ऑप्शन ए में शंकु, बेलन, गोला, प्रिज्म। 82 का आंसर हो जाएगा बी, बेलन। नेक्स्ट प्रश्न, जब एक समकोण त्रिभुज अपने लंब या आधार के चारों ओर घूमता है तो कौन सा ठोस बनाता है? 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेलन, गोला, पिरामिड, शंकु। तो आंसर हो जाएगा 83 का डी, शंकु। अगला प्रश्न, जब एक अर्धवृत्त अपने व्यास के चारों ओर घूमता है तो कौन सा ठोस बनाता है? ऑप्शन ए में गोला, बेलन, शंकु, पिरामिड। 84 का आंसर हो जाएगा ए, गोला। अगला प्रश्न, यह एक ज्योमेट्रिकल कर्व है जिसका प्रयोग गियर के दांतों को बनाने में होता है। ऑप्शन ए में इन्वोल्यूट, बी में पाराबोला, हाइपरबोला, ब्रिज। 85 का आंसर हो जाएगा ए, इन्वोल्यूट। अगला प्रश्न, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कुल कितनी सतहें होती है? ऑप्शन ए में 3, 4, 5, 6। 86 का आंसर हो जाएगा बी, 4 होती है। अगला प्रश्न, एक वर्गाकार प्रिज्म में कुल कितनी सतहें होती हैं? ऑप्शन ए में 4, 5, 6, 7। 87 का आंसर हो जाएगा सी, 6। अगला प्रश्न, एक समपंच भुजाकार प्रिज्म में कितनी सतहें होती हैं? ऑप्शन ए में 5, 6, 7, 8। 88 का आंसर हो जाएगा सी, 7। अगला प्रश्न, इंजीनियरिंग ड्राइंग में लाइनें मोटाई के अनुसार कई रेंज में होती है, इन रेंज की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए में 6, 7, 8, 9। तो 89 का आंसर हो जाएगा सी, 8। अगला प्रश्न, प्रशिक्षण के कार्यों में मोटाई की किस रेंज की लाइनों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में 0.35 mm, 0.7 mm, 0.8 mm, 0.5 mm। 90 का आंसर हो जाएगा डी, 0.5 mm। नेक्स्ट प्रश्न, छुपी लाइनों को दिखाने के लिए यह लाइन प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शन ए में डॉटेड लाइन, बी में डैश्ड लाइन, सी में सेंटर लाइन, डी में हैचिंग लाइन। 91 का आंसर हो जाएगा सी, सेंटर लाइन। अगला प्रश्न, निरंतर मोटी रेखा को इस नाम से भी पुकारते हैं। ऑप्शन में डायमेंशन लाइन, बी में ऑब्जेक्ट लाइन, नेक्स्ट एक्सटेंशन लाइन, प्रोजेक्शन लाइन। 92 का आंसर हो जाएगा बी, ऑब्जेक्ट लाइन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी लाइनें फ्री हैंड खींची जाती है? ऑप्शन ए में सेंटर लाइन, ब्रेक लाइन, ऑब्जेक्ट लाइन, प्रोजेक्शन लाइन। 93 का आंसर हो जाएगा बी, ब्रेक लाइन। अगला प्रश्न, इस लाइन का प्रयोग छुपे किनारों में दर्शाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए में सेंटर लाइन, ऑब्जेक्ट लाइन, डैश लाइन, कटिंग प्लेन लाइन। 94 का आंसर हो जाएगा सी, डैश लाइन। अगला प्रश्न, हैचिंग लाइन कितने कोण पर झुकी होती है? ऑप्शन ए में 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री। 95 का आंसर हो जाएगा बी, 45 डिग्री। अगला प्रश्न, रेडियस लिखने की सही विधि कौन सी है? 40 R कैपिटल, 40 R स्मॉल, कैपिटल R 40 या कैपिटल R इक्वल 40। 96 का आंसर हो जाएगा सी, कैपिटल R 40। अगला प्रश्न, ये डायमेंशन किसी पार्ट की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई आदि को दर्शाती है। ऑप्शन ए में साइड डायमेंशन, लोकेशन डायमेंशन, सहायक डायमेंशन या कार्यात्मक डायमेंशन। 97 का आंसर हो जाएगा ए, साइड डायमेंशन। अगला प्रश्न, ये डायमेंशन पार्ट में किस प्रकार की स्थिति को दर्शाती है? ऑप्शन ए में साइड डायमेंशन,
लोकेशन डायमेंशन, नकारात्मक डायमेंशन, डी में कार्यात्मक डायमेंशन। 98 का बी लोकेशन डायमेंशन। अगला प्रश्न है, इस लाइन का प्रयोग विवरण देने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए में लीडर लाइन, बी में डायमेंशन लाइन, सी में एक्सटेंशन लाइन, डी में कोई भी। 99 का आंसर हो जाएगा ए लीडर लाइन। अगला प्रश्न है, आइसोमेट्रिक व्यू है 2D, 3D, 4D, 1D। 100 का आंसर हो जाएगा आपका बी, 100 का बी 3D। अगला प्रश्न है, ऑब्जेक्ट और प्रोजेक्शन को मिलने वाली रेखाएं कहलाती है, मिलाने वाली रेखाएं कहलाती है। ऑप्शन में प्रोजेक्टर्स, विस्तार रेखाएं, सेंटर लाइन, डैश लाइन। 101 का आंसर हो जाएगा ए प्रोजेक्टर्स। अगला प्रश्न है, ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन है। ऑप्शन में एक आयामी, द्वि आयामी, त्रि आयामी, उपरोक्त में उपरोक्त कोई भी। 102 का आंसर हो जाएगा बी द्वि आयामी। अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें ड्राइंग का सही आकार व रूप बनते हैं। ऑप्शन में आइसोमेट्रिक व्यू, ऑब्लिक व्यू, ऑर्थोग्राफी व्यू या प्रीस प्रैक्टिव व्यू। 103 का आंसर हो जाएगा सी ऑर्थोग्राफी व्यू। तो थैंक यू फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे ताकि आने वाले जितने भी टेक्निकल वीडियो उसकी आपको जानकारी मिलती रहे। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।